हे गाइस, दिस इज़ देवदीप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वेदर तो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट है। मैं अभी यहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ हूँ और आप देख सकते हैं, ये है मेरा फ्रेंड। बोलो कुछ। ओके, बहुत दिन से मैं कहीं घूमने नहीं गया, तो फाइनली आज मैंने डिसाइड किया कि एक छोटा सा राइड ले लूँ और अपनी ब्लॉग सीरीज का एक एपिसोड भी शूट कर लूँ। तो आज हम लोग अभी जा रहे हैं बलियापुर के पुराने एयरपोर्ट की तरफ। तो गाइज, ये है मेरा बाइक और अभी मेरे बाइक पे मेरा दोस्त बैठा हुआ है और इसी बाइक से हम लोग अभी जाएंगे अपना ब्लॉग शूट करने। तो गाइज, अभी अब चलते हैं हम एयरपोर्ट की तरफ। तो अभी मैं बलियापुर सुंदर रोड पे पहुंच गया हूँ और यहाँ से एयरपोर्ट अब ज़्यादा दूर नहीं है, अप्रॉक्स 3 किलोमीटर लगभग दूर है। और स्पेशली मुझे इस जगह पे राइड करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी मैं राइड करता हूँ मुझे एक अलग सी फील आती है। मीन्स ऐसा फील होता है जैसे कि मैं कोई हिल स्टेशन पे आया हूँ, क्योंकि यहाँ का लुक ही कुछ ऐसा है। गाइस, कमेंट पे ज़रूर बताना अगर आपको ये रोड अच्छा लगा तो। सो फाइनली गाइज, अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं एयरपोर्ट में। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ की स्पेस कितनी बड़ी है, यहाँ की स्पेस तो देख के आपको लग रहा होगा कि ये एयरपोर्ट नहीं है। हाँ, ये बहुत दिन से ये यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि चारों तरफ पेड़ निकला हुआ है। यहाँ की स्पेस अब आपको दिख रहा होगा कितनी बड़ी स्पेस है, यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से ये जगह भी जंगल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे चारों तरफ पेड़ निकले हुए हैं मेंटेनेंस नहीं होने के कारण। लेकिन एक समय था ब्रिटिश के टाइम पे, यहाँ पे छोटे छोटे प्लेन्स उतरा करती थी, मीन्स प्राइवेट जेट प्लेन्स उतरा करती थी। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे अभी कोई प्लेन यहाँ पे नहीं उतरती है। कुछ साल पहले गवर्नमेंट की तरफ से एक अपडेट आया था जिसमें बताया गया था कि इस एयरपोर्ट को फिर से बनाया जाएगा, यहाँ पे एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाया जाएगा आया, तो देखते कब तक क्या होता है। और एक चीज़ तो मैं आपको बताना भी भूल गया था कि 25 मई 2018 को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा रैली यहाँ पे हुआ था और उनके स्वागत के लिए लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। और आप देख रहे हैं यहाँ का प्लेटफॉर्म जो बना हुआ है, और यहीं पे हमारे प्रधानमंत्री जी का हेलीकॉप्टर जो है लैंड किया गया था। दोस्तों, यहाँ का वेदर अभी बहुत ज़्यादा प्लेजेंट है और लग रहा है कि बारिश होने वाली है। और शाम के समय यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा प्लेजेंट होता है, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा बहती है, तो लोग यहाँ पे अक्सर आते हैं, आके यहाँ पे बैठते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। हम भी थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद लोग भी यहाँ से अपने घर की तरफ चले जाएंगे। तो फाइनली गाइस, यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। तो आज के ब्लॉग सीरीज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग सीरीज का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूंगा। तो जल्द मिलते हैं ब्लॉग सीरीज के दूसरे एपिसोड में। आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक घर पे रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक यू।